खबर है मैहर जिले से, जहां मुकुंदपुर में एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे को गुरुकुल स्कूल की बस के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए कुचल दिया है। अचानक हुए हादसे में मासूम के अस्पताल पहुंचते ही मौत हो गई, तो वहीं घटना के बाद से बस सहित चालक फरार बताया गया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक गोविंदगढ़ के ग्राम धोपहाट निवासी सोनू यादव का 3 वर्षीय पुत्र प्रकाश यादव मंगलवार की दोपहर माता पिता के साथ मुकुंदपुर बाजार गया हुआ था। माता पिता के साथ पैदल जा रहा था, तभी रीवा जिले के गुरुकुल स्कूल की तेज रफ्तार बस वहां से गुजर रही थी, जिस दौरान लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए चालक ने बस से मासूम बच्चे को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद परिजन तत्काल बच्चे को लेकर गोविंदगढ़ अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे रीवा रेफर किया गया, लेकिन इस दौरान गोविंदगढ़ में ही बच्चे की मौत हो गई। बताया गया कि मुकुंदपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर बस सहित चालक की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि पूर्व में ही गुरुकुल स्कूल की बस के चालक द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए अपने ही स्कूल के एक मासूम बच्चे को कुचल दिया था, जिसमें उसके मौत हो गई थी। हम मुकुंदपुर के यहाँ ही है ना, डोबाड़ के यहाँ ड्राइवर नहीं मिला गाड़ी के, गुरुकुल स्कूल की गाड़ी आई है ना, तो ड्राइवर मौके पर भाग गया। मार्केट तो ही मालूम, आज भी गया वहाँ।